हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय, आप सभी का स्वागत आप सभी के यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में करता हूँ। दोस्तों, हम सभी तो यूपी टीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हम लोग सिलेबस पे फोकस करके तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ी सी आपकी हेल्प करूँ कि सीधा सिस्टमेटिकली आप पढ़िए, बहुत लेंदी सिलेबस को और बहुत ज़्यादा बर्डन लेके मत पढ़िए। जो सिलेबस में जितना कंटेंट दिया उतना आप अगर आप कंप्लीट करते हैं, उसके अलावा कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो एक्स्ट्रा पढ़िए, मैं उसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन जितने भी मित्र हमारे चैनल से जुड़े हैं या जो नए मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है, विनम्र निवेदन है कि सिलेबस को अच्छे से समझ लें, तब अपनी पढ़ाई को जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ना, स्ट्रैटेजिकली आप तैयारी करें। तभी तो इतने कंपटीटर हैं, आवेदन देख ही सकते हैं कि आप कितने लाखों में, 10 लाख 12 लाख आवेदन आए हैं प्राइमरी के लिए। तो अगर आप स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ेंगे तो भाई कंपटीट कैसे कर पाएंगे, उनको डिफेंड कैसे कर पाएंगे। सो बस मेरा यही उद्देश्य है, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊँगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है मैंने सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड किया, और कई लोग मुझे कमेंट किए थे मेरे फेसबुक पेज पे भी और मेरे व्हाट्सएप पे भी, जो मेरे पुराने मित्र लोग या जो भी लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उन्होंने कमेंट किया कि सर सिलेबस मेरे पास इंग्लिश का नहीं है तो कोई संस्कृत का नहीं, तो मैं सारा इसमें कन्फाइंड करके आप सभी को दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए एक वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि आपकी हेल्प हुई है तो कोई और आपका मित्र जो छूट रहा हो इस हेल्प से, उसकी भी मदद हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यूपी टीटी 2018 एग्ज़ाम सिलेबस न्यू सिलेबस है, थोड़ा सा इसमें पैटर्न क्या चेंज है उसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को पता है कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 150 मिनट का पेपर है, और 150 प्रश्न है, 150 अंक के, मतलब एक प्रश्न एक अंक का, और इसके लिए 1 मिनट आपके लिए है। देखिए, तीनों चीज़ एक एक है, तो आई होप अच्छा ही होगा, 111 गुड है, अच्छा लक है। पहला है बाल विकास और शिक्षण विधि, 30 प्रश्न 30 अंक के। भाषा हिंदी है तो 30 प्रश्न 30 अंक के। अद्वितीय भाषा में जो आप ऑप्ट करते हैं, चाहे अंग्रेजी करते हैं, चाहे उर्दू करते हैं, या कोई संस्कृत, इसमें से कोई एक लेना पड़ता है आपको, तो वो 30 प्रश्न उसके रहते हैं 30 अंक के। अगला गणित है, तो गणित भी 30 प्रश्न रहते हैं 30 अंक के। और आखिरी में पर्यावरण अध्ययन है, जो 30 प्रश्न रहते हैं और 30 अंक के। टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 अंक है, और 150 मिनट है आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इसमें दिया हुआ है कि यूपी टीटी की संरचना हुआ विषय वस्तु, तो यूपी टीटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे प्लस पॉइंट आप सभी के लिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो क्वेश्चन कोई भी मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और यूपी टीटी के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर प्राइमरी के लिए 1 to 5, सेकेंड पेपर 6 to 8 फॉर मिडिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लोग प्राइमरी पे मेन फोकस कर रहे हैं अपने पूरी शिक्षण के दौरान, तो उसी पे फोकस करेंगे। तो पहला ये है 1 से 5 के लिए पेपर 1, बाल विकास और शिक्षण विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाल विकास में क्या है, विषय वस्तु का पार्ट में विषय वस्तु ये है कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, भाषा विकास के अंतर्गत अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। सेकंड टॉपिक है इसमें बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित कौन करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अब इन्हीं दोनों में सब में आ जाता है कि पारिवारिक आ जाता है, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम सभी प्रभावित करते हैं। इसके बाद है सीखने का अर्थ और सिद्धांत, तो सीखना मतलब अधिगम, अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को और अधिगम को की प्रभावशाली विधियाँ। ये सारी टॉपिक्स मैंने कवर की है अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, मनोविज्ञान के प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के, वहाँ से सारा आपको 25-26 वीडियोस होंगे, सारा एक एक टॉपिक पूरा क्लियरली एक्सप्लेंड है, और बहुत लेंदी नहीं है, बहुत शॉर्ट में है। तो मैंने शुरू से स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई की है आपके साथ, आप सभी के लिए, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड है इसमें अधिगम के नियम, थर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम और अधिगम में उसका महत्व। उसके बाद है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत,
कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, व्यागोस्ती का सिद्धांत, सीखने का वक्र, सीखने का वक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। तो ये सारा थोड़ा सा मैं इसको हाँ जूम कर दूँ तो ताकि समझ में आए आपको। फिर इसके बाद है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के, तो ये सारा सिलेबस तो पहले से ही है तो ज़्यादा मैं आपका टाइम इसमें वेस्ट ना करूँ। और ठीक है, और इसके बाद समावेशी शिक्षा है, उसमें निर्देश परामर्श है, ठीक है, सारा जो हम लोग अभी इस बार जो लोग 4 सेमेस्टर में होंगे वो लोग इन सब के बारे में पूरा अच्छे से, मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश का है, बाकी जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे प्रदेश स्तर पे हों चाहे पूरे केंद्र स्तर पे हों, तो वो सभी आपको पता होंगी। इसके बाद है अधिगम और अध्यापन। तो ये यहीं से पेडागोजी सेक्शन आएगा आपका, जो पेडागोजी का सेक्शन आते हैं। और याद रखिएगा 30 में से अभी तक तो 2 या 3 प्रश्न या 5 प्रश्न मैक्सिमम आते हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग 15 प्रश्न 30 में से आएंगे पेडागोजी हर सेक्शन में, यानी कि पूरा CTET का पैटर्न फॉलो हो रहा है। और पेडागोजी सेक्शन एकदम सिंपल होता है, अगर आपने पूरा मनोविज्ञान अच्छे से समझ लिया तो याद रखिएगा बच्चे को केंद्र में रख के ये सारे काम करने हैं, सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 15 में से मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके सही हो सकते हैं, आई होप। फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझसे ज़रूर आप सलाह लें, ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछें। इसके बाद सेकंड है आपका हिंदी। हिंदी में पूरा पठित ज्ञान से वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वाक्य रचना और बाकी विराम चिन्ह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, वाच और कवियों और लेखकों की रचना। बाकी मैं PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप सरकारी रिजल्ट से डायरेक्ट जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाला कार्य नहीं करता, डायरेक्ट आप जाइए WDS सरकारी रिजल्ट पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग इंग्लिश का मुझसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, तो इंग्लिश में देखिए यही है, अनसीन पैसेज है, सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और काइंड ऑफ सेंटेंसेज है, पार्ट ऑफ स्पीच में वही नाउन है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। और मैं बस 1-2 दिन के अंदर ही इन लोग की वीडियोस स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश की, हिंदी हम लोग पहले से चला चुके हैं। टेंस आएगा, आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल AN द आपको पता होगा, पंक्चुएशंस, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये इंपॉर्टेंट है। और सब अनसीन पैसेज तो आप इतना मैं इस पर कवर करा दूंगा कि आप लोग का पूरा, वैसे अनसीन पैसेज कई एग्ज़ाम में आप फेस कर चुके होंगे, 10th में भी देखे होंगे, 12th में का एग्ज़ाम दिए होंगे तब भी देखा होगा आपने, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद जो उर्दू वाले होंगे मित्र, वो यहाँ से सिलेबस अपना देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद संस्कृत का है, संस्कृत का सिलेबस यहाँ पे है, वीडियो पॉज करके आप देखना चाहते हैं तो नोट करना चाहें नोट कर लीजिए या डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि जो आप डाउनलोड करते हैं उससे बहुत रेयर केस में हम लोग देखते हैं या नज़र उस पर जाते हैं, अगर आप लिख लेते हैं पूरा तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये पूरा सिलेबस है फ्रेंड्स, पर्यावरण या आदि के बीच में गणित का है, यहाँ पे ये गणित है, गणित में पूरा हम लोग अभी बीच में छोड़े हुए हैं 5-6 वीडियोस के बाद, तो उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, आप डरिएगा मत। और एक एक टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक वाइज ही पढ़िए, मेरा ये उद्देश्य है इस वीडियो को ले आने का। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो बड़ी बन रही है तो ये सिलेबस मैं लेके आया हूँ, आप सभी पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बस यही है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग पूरा उसी पे फोकस कर रहे हैं, यही रूल हमारा है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे और हम डिफेंड करेंगे एग्जाम को। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।